दोनों का खून एक, दोनों का जन्मदिन एक, ये सारी बातें तो एक ही तरफ इशारा कर रही है कि मेहर मेरी बेटी है। मैडम जी देखिए, वैसे तो मैं यहाँ एक बहुत खास बात बताने आया था, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने ना आपके साथ जो बर्ताव किया मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। कौन सी बात? उस रात 6 साल पहले यमुना किनारे जब वो बच्ची मिली थी और जो जोड़ा उसे लेकर गया था ना अपनी गाड़ी में, उस गाड़ी का नंबर मैंने नोट कर लिया था एक पेपर पे, और वो कागज मुझे अपने पुराने सामान में मिल गया है। देखिए, हाँ ये देखिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी बच्ची आपको मिल जाए। आपकी बहुत मदद हुई है मुझे, थैंक यू। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। हे प्रभु, बच्ची दिलवा दे इन्हें। हे भगवान, अगर ये नंबर प्लेट जीतवीर जी की गाड़ी के नंबर प्लेट से मैच करता है तो मेरा शक सही निकलेगा कि जिस बच्ची को इन लोगों ने उस दिन नदी के किनारे से उठाया था वो बच्ची और कोई नहीं, मेरी बच्ची है, मेहर है। आपको मैं इतनी पसंद आ गई कि आप मेरे घर याद रहने आ गए। ऐसे मिर्ची के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है। कोई मेरे लिए कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं सबके लिए कॉम्पिटिशन हूँ। मुझे भी लोरी सुननी है, सुनाओ ना। अब रो मत, रजेश सब ठीक कर देंगे। शिवजी ने मुझे कितने संकेत दिए कि मेहर ही मेरी बेटी है, बस मैं ही समझ नहीं पाई। पर आज मेरा दिल कह रहा है कि मेहर ही मेरी बेटी है। मतलब वो मेहर ही थी जो उस दिन अपने नागिन रूप में आई थी। अब मुझे मेहर के बारे में सब कुछ पता करना है, जानना है कि वही मेरी बेटी है। मुझे पूरा यकीन है कि प्रार्थना ने ही सुप्रीत को मारा है। हमारे इस खेल के हर एक खिलाड़ी को खत्म कर रही है वो प्रार्थना। पर अब हमें रुकना नहीं है, हमें हमारे मकसद को पूरा करना ही होगा। कौन है ये लैब? तो हमारी एकदम नहीं है, किसी को हमारे इस लैब के बारे में पता ही नहीं है। परम, मृगनानी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या जगह है? परम शांत हो जाओ। पहले तो मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अपनी मॉम के फोन में एक वीडियो मिला था, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जाऊँ, मुझे अपनी असली पहचान मिलेगी। कि हम तुम्हारी असली पहचान बताएं, पहले तो हमारी असली पहचान देख लो। तीनों नागिन? हाँ, हम तीनों नागिन हैं और हम एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं जिसमें तुम्हारी माँ भी शामिल थी। लेकिन हमारी दुश्मन ने उन्हें मार दिया, और तुम जानना चाहोगे उनका कातिल कौन है? हमारी दुश्मन प्रार्थना। हाँ परम,
प्रार्थना ने ही तुम्हारी माँ को मारा है, और बरसों पहले प्रार्थना की माँ प्रथा ने तुम्हारे पापा को मारा था। तुम चलो मेरे साथ। ये कैसी जगह है? आज यही जगह तुम्हें तुम्हारी पहचान बताएगी। आखिरकार तुम यहां आ ही गए। हमारे नेवला राज की मौत के बाद हम तुम्हारे यहां आने का इंतजार कर रहे थे। नेवला राज? मेरा इंतजार? हाँ, तुम नेवले राज के बेटे हो। तुम्हारे पापा एक नेवले थे, रैनाक्ष, इंसान और नेवले की औलाद हो तुम, और प्रार्थना की मां ने तुम्हारे पापा को मारा था। इसीलिए तुम्हारी माँ ने प्रार्थना से बदला लेने के लिए हमसे हाथ मिलाया था, और वो बदला तुम्हें अभी लेना होगा। पर मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। है, बस उन्हें जागृत करने की देर है, और उन्हें जागृत करने के लिए तुम्हें अपनी असली पहचान को स्वीकारना होगा, और अपने माँ बाप के मौत का बदला तुम्हें लेना होगा। अरे प्रीति दी, आप आइए ना। क्या हुआ दी, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पास से ही गुजर रही थी तो सोचा कि आके तुझे मिल लूँ। मंजीत बहन जी और जीतवीर जी दिख नहीं रहे? हाँ वो दुकान में है, बस आते होंगे। मेहर, वो क्या है ना एंग्री स्वीट आंटी, मेरी मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे गले मिलूं। वो क्या है ना, मेरी मम्मी जी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा प्यार किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, और मैं अपनी मम्मी जी को हर्ट नहीं कर सकती। पूर्विका ठीक है, बच्चे आप जाके होमवर्क कर लो। नैना, अपनी दीदी को रूम में ले जाओ, मैं चाय नाश्ता भेजती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस पास से ही गुजर रही थी तो मैं लड्डू को मिलने आ गई, मैं बस निकल ही रही हूँ। कैसे पता करूँ कि मेहर मेरी बच्ची है? दी आप टेंशन मत लो, आई नो कि आपको मेहर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मामी जी आजकल उसको लेके ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आफ्टर ऑल वो उनके डॉक्टर बच्ची है ना। मेहर को इन लोगों ने गोद लिया है तो मेरा शक सही है। अब लड्डू कुछ पता है क्या, इन्होंने मेहर को कब गोद लिया था और कहाँ से? दी इतना सब कुछ तो मुझे नहीं पता है, और अक्सर इस मामले में सब चुप ही रहते हैं। अब बस ये पता करना है मेहर को इन लोगों ने कब गोद लिया और कहां से, फिर सारे शक सारी उलझने खत्म। ये देखो, आज से ये भी हमारे साथ है, इसे भी प्रार्थना से अपनी माँ सुप्रीत के मौत का बदला लेना है। हाँ, और प्रार्थना को नीचे गिराने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूंगा। ब्यूटीफुल, वेरी गुड,
हम सबके बदले का सिर्फ एक ही जवाब, ये सपोले। इन लाखों करोड़ों सपोलों को मैंने तैयार किया अपने मकसद को अंजाम देने के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम अपना आखिरी वार करें। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में 100 से ज्यादा देशों के नेता, राजनेता, बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी हस्तियां एकत्रित होने वाली, और तब तक हमारे सारे सपोले वार के लिए एकदम तैयार होंगे, और उसके बाद आपस में मिलके बनाएंगे एक भयानक। अब पूरी रात इस बड़े बर्तन में छोटे छोटे रेंगने वाले एक खौफनाक सपोले आपस में मिलके महासपोलों का एक झुंड तैयार करेंगे, मतलब एक बॉम्ब, एक डर से भी ज्यादा डरावना बॉम्ब, और उस बॉम्ब को हम लोग प्लांट करेंगे पार्लियामेंट हाउस में। हम वहां कैसे जाएंगे? मैं वहां जाऊंगा, प्रार्थना मुझे वहां पर लेकर जाएगी। ऋषभ के मरने के बाद भी उसको सम्मानित किया जा रहा है, उस सम्मान को लेने के लिए उसकी बेटी प्रार्थना वहां जाएगी, और उसके साथ जाऊंगा मैं। किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या प्लान है? हाँ, व्हाट अ प्लान। पर इन सपोलों को एक साथ जोड़कर ये महा सपोलों का जो बॉम्ब बनाना है, इसके लिए पूरी रात लग जाएगी। तो आज की रात हमारे लिए बहुत जरूरी और बहुत बड़ी है, और इस प्लान के बारे में प्रार्थना को नहीं पता लगना चाहिए। बहुत शातिर है वो। अगर वो शातिर है तो मैं शातिर का बाप हूँ। ये काम मैं करूंगा, अब देखता हूं वो कैसे बचती है। समझ नहीं आ रहा कि अब तक बिना विष के ये जिंदा कैसे। कहीं इसके चक्कर में प्रार्थना की दूसरी बेटी यहां आ गई और इसे बचा लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं, दूसरी बेटी यहां कैसे आएगी जब पहली जिंदा ही नहीं बचेगी। तो पानी, मैं बस पूर्विका के सर के नीचे। चुप! क्यों कर रही हो ये सब? मैं इतने दिनों से प्रार्थना का साथ दे रहा था, अपने परिवार के दुश्मन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और वो दुश्मन मेरे घर में छिपा था। तुम? रघु! क्यों किया तुमने ये सब? मैंने कुछ नहीं किया है रघु, मैंने कुछ नहीं किया है। अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। प्रार्थना ने मुझे तुम्हारा सच बताया था, लेकिन मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। गलती मेरी थी। सोचा नहीं था मेरे अपनों का दुश्मन कोई मेरा अपना ही होगा। हाँ, मैं हूं तुम्हारी दुश्मन। मुझ पे वार करके गलती कर रही हो, भूल गई कौन हूं मैं? जानती हूं, महानागराज शेषनाग हो तुम। अगर जानती हो तो मुझे धोखा क्यों दिया? हाँ, मैंने धोखा दिया, और इतना ही नहीं, बहुत कुछ किया मैंने। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस राजपाट पर मेरा हक था वो तुम्हें मिला। तुम तो नागलोक में थे भी नहीं। मैं थी, पर मेरा हक तुम्हें मिला। सारी शक्तियां, इज्जत, औधा, सब कुछ तुम्हें मिला। क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूं, और एक औरत राजपाट नहीं संभाल सकती। नहीं, एक औरत सब कुछ कर सकती है। मैंने अपने दिल की बात किसी से नहीं कही तो किसी ने समझी भी नहीं, पर स्वर्णा उसने तो दिल खोल के कहा था सबसे कि उसे नागलोक पर राज करना है। सामने से लड़ी वो, पर हार गई, और मैं पीठ पीछे लड़ी और जीत गई। धोखे का खेल खेला मैंने, तुम्हें दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और धीरे धीरे पूर्विका का जहर निकालती रही। शरीर से जहर तुमने? मैंने निकाला उसके शरीर से जहर, अब वो धीरे धीरे मर जाएगी। तुम्हारा अंश, तुम्हारा वंश सब खत्म हो जाएगा। नागलोक से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेषनाग पर वार करने की? बहुत हो गया त्रिशा, अब इसे सच पता चल ही जाने दो।
नहीं नहीं, ये नागिन अगर मेरा नाम ले लेगी तो मेरी चाहत तो पूरी होने से पहले ही अधूरी। रघु कभी मुझे मिलेगा ही नहीं। नहीं, ये मेरा नाम नहीं ले सकती। भूलो मत मृगनैनी, मैं वासुकी नाग की बेटी हूँ, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली। रघु, तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है और इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी, और तुम भुगतोगे। क्या कर रही हो त्रिशा? तुम्हारे बाबा है तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये वादा है मेरा। ये तो गाड़ी का वही नंबर है जो चाय वाले ने मुझे दिया था। और ये वही टोकरी, वही कपड़ा जिसमें मेरी बच्ची। ये तो मेरी बच्ची है, तो मेहर मेरी ही बेटी है। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या हो गया अमृत? ये क्या करने जा रही थी? अपनी मंजिल के इतने करीब आके, आखिरी मोड़ पे आके अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर रही थी। बर्बाद तो मैं रघु को करूंगी। मृगनैनी, अभी एक काम करो, जाओ यहाँ से, प्रयोगशाला जाओ और वहीं रहो, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हम अपना इतना बड़ा मकसद बर्बाद नहीं कर सकते। और वो बड़ा हमला करने के लिए हमने प्लान भी बहुत बड़ा बनाया। जानती हूँ मैं तुम्हारा बड़ा वाला प्लान, सब जानती हूँ मैं। अच्छा, तो अगर तुमने वो मेरा बड़ा प्लान बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ में आया ना? चलो जाओ यहां से। मुझे कहीं ना कहीं आभास हो ही गया था कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता, कोई नाता है। तुम बिल्कुल मेरी परछाई हो मेहर, पर फिर भी मैं अपनी गहराई में झांक नहीं सकी, ये जान नहीं सकी कि तुम ही मेरी बेटी हो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। I'm so sorry बेटा। जानती हूँ इस परिवार ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है। मेहर को इस परिवार से अलग करना बहुत मुश्किल होगा, पर क्या करूं, मेरी पूर्विका भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। जुड़वा पुत्रियों ने जन्म लिया था तुम्हारे घर, यदि किसी एक को कुछ हो जाए तो सिर्फ दूसरी उसे अपना विष देकर बचा सकती है। नेवला, ये तो नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, मेरी मेहर पर वार करने आया है। नहीं, मेरे होते मेरी बच्ची पे किसी का कोई वार नहीं होने दूंगी। मैं इस नेवले को मार दूंगी।
जो भी किया उस देवने ने किया है, वो देखिए। प्लीज मेरे मम्मी जी पापा जी को कुछ मत करना, उन्होंने आपको गलत समझा। सॉरी, प्लीज जाओ यहाँ से। वो नेवला अचानक कैसे, वो मेहर पर हमला करने आया था या मुझ पर? कई दुश्मनों को पता तो नहीं चल गया कि मेहर मेरी बेटी है? नहीं, मैं मेहर को किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी। मुझे मेरी दोनों बच्चियों की रक्षा करनी है और मैं करूंगी। मुझे रखू से बात करनी है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। परम के जो मामा जी है ना, हाँ, उनकी बेटी ही रघु और प्रार्थना की बेटी है। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने खुद पता किया, मिस्टर एंड मिसेस सिंह की बेटी ही उनकी बेटी है। अरे बात रघु और प्रार्थना जानते हैं? नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। तुमने कहा था ना कि वो दोनों बुरे हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। 6 साल पहले रघु और प्रार्थना ने अपनी बच्ची को यमुना किनारे छोड़ा, अपने आप से दूर रखा, और अब अचानक उनको अपनी वो बेटी वापस चाहिए। वो जरूर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर उन्होंने स्वर्णा को हार्म किया है, कहीं उस बच्ची को भी? ये तो बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लग गया। क्या कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। एनीवे आप जाओ, जरा फ्रेशन अप हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ओके, सी यू। हेलो त्रिशा। रघु, रघु। हाँ, क्या हुआ? रघु वो मिल गई, हमारी बच्ची मिल गई। रघु, मैंने हमारी बच्ची को ढूंढ लिया है। कौन है? मेहर हमारी बच्ची है, वो उनकी नहीं, वो हमारी है। और मेहर की भी जान खतरे में है। मैंने खुद देखा, मेहर पे कोई नेवला हमला करने वाला था। क्या नेवला? हाँ रघु, हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि वो नेवला कौन है। शायद दुश्मनों को पता चल गया है कि मेहर हमारी बच्ची है। हमें मेहर को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। चलो रघु, मंजीत बहन जी और जीत वीर जी से बात करते हैं और उसे ले जाते हैं, कोई तो रास्ता ढूंढते हैं। हाँ चलो। वाह प्रार्थना, मानना पड़ेगा बहुत तेज दिमाग है तुम में। मेरी माँ हमेशा कहती थी प्रार्थना बहुत शातिर है, बहुत हिम्मत वाली है, और इतनी जल्दी हार नहीं मानती। आज देख ली तुम्हारी हिम्मत। माँ कौन है तुम्हारी माँ? और रघु, रघु कहाँ है? क्या किया तुमने रघु के साथ? बोलो क्या किया है रघु के साथ, कहाँ है रघु? देखो त्रिशा, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक डंस में मार भी सकती हूँ। तो मार दो, डसना है, लो डस लो। पर एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी बेटी का सच तो पता चल गया, पर तुम्हारी मेहर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ त्रिशा, मेरी बच्ची कहाँ है? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अजय, हमारी बच्ची मेहर गायब है। क्या, मेहर गायब है? यस, हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमें कहीं नहीं मिली। कहीं सबके पीछे प्रार्थना और रघु का हाथ तो नहीं? शेष नागिन हो ना, मुझसे लड़ सकती हो, मुझे हरा भी सकती हो, पर ये कभी पता नहीं लगा पाओगी कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। त्रिशा बताओ मुझे, क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। क्यों कर रही हो ये सब त्रिशा? चाहती क्या हो? मेरी माँ का बदला। माँ का बदला? कौन है तुम्हारी माँ? जवाब दो, कौन है तुम्हारी माँ? बताओ कौन है तुम्हारी माँ, बोलो।
माँ को छोड़ो, माँ का हिसाब तो होगा। तुमने मेरी माँ के साथ जो किया है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अपनी दूसरी बेटी को ढूंढ रही हो ना, पर वो कभी नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ के पास है। माँ के पास? कौन है इसकी माँ? मैं रघु से बात करती हूँ। वासुकी नाग, पूर्विका की हालत बद से बदतर होती जा रही है और अब तक हमें हमारी दूसरी बेटी भी नहीं मिली। उसके शरीर से सारा जहर निकल चुका है और उसका रंग काला पड़ता जा रहा है और कमजोरी बढ़ती जा रही है। मैं अपनी बेटी को इस हालत में रहने नहीं दूंगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म। शेषनाग की किताब, पूर्विका को बचाने का और कोई रास्ता मिला? रास्ता है तो सही रघु, लेकिन बहुत कठिन। रघु और पूर्विका कमरे में नहीं तो कहां गए? पूर्विका की हालत बहुत खराब है तो उसे ठीक करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैं नागलोक जा रहा हूँ। पूर्विका की भी जान खतरे में और मेहर की जान भी खतरे में। मुझे उसे भी दुश्मन के चंगुल से बचाना है। आखिर ये त्रिशा की माँ है कौन? वो तो वासुकी नाग की बेटी है ना, तो उसकी माँ कौन है और मुझसे किस बात का बदला लेना चाहती है? बदला मैं ले रही हूँ और बदला मैं लेके रहूंगी। तुम्हारे माँ बाप और तुमने जो मेरे साथ किया है उसका सारा हिसाब किताब मैं तुमसे लूंगी। परम, इस बात जीत तो हमारी ही है। पूर्विका का जहर हमारे पास है, प्रार्थना की दूसरी बेटी भी हमारे पास है। इस बार तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा और धीरे धीरे मेहर का जहर भी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ बेचारी मेहर मर जाएगी और वहां पूर्विका। त्रिशा, तुम देखना, उसके बाद तुम्हारे डैड के साथ मिलके जो हमारा सबसे बड़ा प्लान है उस प्लान को हम अंजाम देंगे। भारत पे सबसे बड़ा हमला। प्रार्थना, तेरी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तुम्हारी मौत की बीन बच चुकी है। साहब, प्रार्थना मैडम को पता चल गया है कि मेहर उन्हीं की बेटी है। कहीं मेहर को गायब करने के पीछे प्रार्थना का ही हाथ तो नहीं? कहीं वही तो उसे वहां से नहीं ले गई? मेहर का सच पता चलते ही प्रार्थना ही उसे वहां से ले गई है। इंस्पेक्टर, मुझे प्रार्थना अहलावत का अरेस्ट वारंट चाहिए अभी। मेरे बच्चे इतने मौत के करीब, रघु कहाँ है? पता नहीं, वो अपनी बच्ची के इलाज के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने गया है। क्या ये चिट्ठी? प्रार्थना, मैं हमारी बेटी के इलाज का कोई दूसरा उपाय ढूंढने जा रहा हूँ। तुम हमारी दूसरी बेटी का पता लगाओ। मुझे रघु को बताना था कि हमारी दूसरी बेटी मिल गई है, लेकिन फिर खो गई। वासुकी नाग, वो बात यह है कि पूर्विका को त्रिशा की बहुत याद आ रही थी। वो त्रिशा से बहुत प्यार करती है ना? हाँ, वो तो है। बचपन से इसे पाला संभाला, प्यार तो होगा ही ना? हाँ, माँ का प्यार। त्रिशा भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही होगी ना? त्रिशा की कोई माँ नहीं है। उसे नागलों के द्वार पर कोई छोड़ गया था, जिससे ये तो तय है कि वो किसी नागिन की बेटी है। किसकी पता नहीं। तो बचपन से आप ही ने अकेले त्रिशा की परवरिश की? हाँ, मैं इस बच्ची को कैसे छोड़ देता, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी बनाया और पूरे नागलोक ने उसे अपनाया।
पर आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसके माँ बाप कौन थे जिन्होंने त्रिशा को नागलोक के द्वार पर ऐसे ही छोड़ दिया? कोशिश तो की थी मगर उनका कुछ पता नहीं चला, और सच कहूँ तो कुछ समय बाद मैंने भी उनके माँ बाप का पता नहीं किया क्योंकि मैं ऐसे खोना नहीं चाहता था। तो इसका मतलब किसी ने त्रिशा के बचपन से ही उसे नागलोक का बना दिया, और वो जो भी नागिन है जहाँ भी होगी उसने सालों से त्रिशा पे नजर रखी होगी। पर वो नागिन है कौन? त्रिशा किसकी बेटी है? काश कि रघु अभी मेरे पास होता तो हम मिलकर कुछ तो करते। आवाज वहां से आ रही है। नाग गुरु को शेषनाग का प्रणाम। ऐसा क्या हुआ जो शेष नाग को स्वयं यहाँ आना पड़ा? नाग लोग में सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं, मेरी बेटी पूर्विका की जिंदगी खतरे में, किसी ने उसके शरीर से सारा जहर निकाल लिया और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप नाग गुरु हैं, आपने हमें हमेशा हर मुसीबत से बचाया, इस बार मुसीबत बहुत बड़ी तो रास्ता दिखाई और मेरी बेटी की जान चाहिए। तुम्हारी बेटी पूर्विका को बचाने वाली मात्र एक ही है और वो है तुम्हारी दूसरी संतान। वो अपना जहर उसे देकर बचा सकती है। जानता हूं पर वो कहां है हमें नहीं पता और हमारे पास समय नहीं है। यदि ऐसा है तो पूर्विका की मौत को कुछ समय तक टालने का एक उपाय मेरे पास है। जितना समय तुम्हें प्राप्त होगा उस समय में तुम अपनी दूसरी संतान को ढूंढो। उपाय बताइए। यहां पर एक जंगल है, उस जंगल में एक चमत्कारी जड़ी उगती है जो तुम्हारी बेटी पूर्विका की मौत को कुछ समय तक के लिए टाल सकती है। परंतु ध्यान रहे उस जंगल में जाना इतना आसान नहीं है, संकट है वहां, क्योंकि वो स्थान नागवंशियों के दुश्मन चीनों से भरा पड़ा हुआ है। उनका वार सभी नाग नागिन के लिए खतरनाक है, सावधान रहना होगा तुम्हें। मेरी जान जाए तो जाए पर मैं वहां जाऊंगा और अपनी बेटी के लिए वो जड़ी लेके आऊंगा, और मुझे उस जंगल का रास्ता बताइए। क्या प्रीति दी ने मामा जी और मामी जी की बेटी को किडनैप किया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग ही बताओ ना वो ऐसा करेंगी क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी खोई हुई बेटी मेहर ही है जिसे उन दोनों ने अपने हाथों से यमुना नदी में बहा दिया था। मुझे पहले दिन से वो लड़की गड़बड़ लग रही थी, मैं ये बात समझ रही थी। वो यहाँ एक मकसद से आई थी, पहले वो किराएदार बन के आई, मेरी बेटी से नफरत करने का नाटक किया उसने, उसके बाद उसकी जान बचाई ताकि हम उस पर शक ना कर सके। और देखो कितनी चालाकी से वो मेरी बेटी उठा कर ले गई। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेटी वापस ला कर आऊंगी। नहीं ना तुम डिसाइड कर लो, प्रार्थना या तुम्हारा ससुराल, सिर्फ एक। मंजी 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 मैं आपको संभालू। मृगनैनी, त्रिशा, सुप्रीत, नहीं दुश्मन सिर्फ ये तीन लोग नहीं पर के और भी लोग हैं। कुछ तो ऐसा है जो सामने होके भी नजर नहीं आ रहा, पर क्या? क्या हुआ है? आप प्रार्थना को इतना गुस्से में क्यों बुला रहे? क्या हो गया है? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, हमारी बेटी चुनाई है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या इन्हें लगता है कि मैंने मेहर को? आप जहां भी हैं सामने आइए। एक मिनट, प्रार्थना ऐसा क्यों करेगी? इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है
कि महक उनकी बेटी है जो सबको लगता है कि मर चुकी है। क्या इसका मतलब प्रीति दी की वो वाली बेटी अभी भी जिंदा है? अब दी और चीजू एक हो जाएंगे। महल मेरी बेटी है, मनजीत कौर की बेटी, और मैं उसको किसी को नहीं दूंगी। आंटी देखिए प्लीज आप चिल्लाइए मत, भाई भाभी वैसे भी घर पर नहीं है, पूर्विका की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसे लेकर कहीं गए हैं। नहीं आप झूठ बोल रही हैं, मुझे पूरे घर की तलाशी चाहिए। चलो। मेरी वजह से बंटी टीना गौतम सोनिया को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, मैं सामने आ जाती हूँ। नहीं अगर मैं सामने आ गई तो वो इंस्पेक्टर मुझे कई सारे सवाल जवाब करेगा, मुझे यहीं रुका के रखेगा। नहीं मेरे पास वक्त नहीं, मुझे महक को भी ढूंढना और पूर्विका को बचाना भी है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इस बार दुश्मन बहुत शातिर है, मुझे कड़ी से कड़ी जोड़ के महक तक पहुंचना होगा। ये भी पता लगाना होगा कि त्रिशा की माँ कौन है और वो नेवला कौन था, और ये दुश्मन इतने सारे सपनों को बनाकर अपने किस मकसद को कामयाब बनाना चाहते हैं। मिल गई पोस्टर वाली लड़की, मिल गई, अभी नाम मेरा। नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पकड़कर पुलिस में दूंगी, 50,000 का इनाम है तुम पर। कैसे छोड़ पोस्टर वाली औरत है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। कहां फंस गई, अब इनके सामने नागिन भी नहीं बन सकती, पर इनसे बच के जाना तो होगा। हे शिव जी आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी, हर तरफ सिर्फ मेरे ही पोस्टर्स, अब मैं कैसे निकलूंगी और मेहर को ढूंढूंगी, और ये नई मुसीबत, अब इससे कैसे बाहर निकलूंगी। माँ सब कहते हैं कि आप हर मुसीबत हर तूफान से लड़ जाती थी और जीत भी जाती थी, अपना रास्ता बना लेती थी, अब आप ही बताइए आप अगर मेरी जगह होती तो आप क्या करती? माँ आप हमेशा एक अकेली और दुश्मन इतने सारे, फिर भी आप हर लड़ाई कैसे जीत जाती थी? दुश्मन 4 हो या 1,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़ाई हाथ या हथियार से नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है दिमाग से, उनमें शायद हमसे भी ज्यादा ताकत हो, पर हमें लड़ना है अपने दिमाग से। जब मैंने अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दी थी तब मैं एक साधारण इंसान थी, और मेरे सामने थे ताकतवर नागिने और राक्षस, और मैं अपने दिमाग से उनके साथ लड़ी और जीत भी गई। माँ आप मेरी सुपर हीरो, आई विश मैं एक दिन बिल्कुल आपके जैसी बनूं। बनूंगी, दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, बस अपने आप पर विश्वास रखना प्रार्थना, अपने दिमाग से चलना और दुश्मनों के दिमाग से खेलना, देखना जीत तुम्हारी ही होगी। माँ आप ही ने सिखाया है जब हालात साथ ना दे तो दुश्मन के दिमाग के साथ खेलो, तो बस माँ आपकी सीख ही मेरी साख है, मेरा विश्वास ही मेरा विश्वास, अब मैं दुश्मनों से लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। लगता है वही जंगल जिसके बारे में नाग गुरु ने मुझे बताया था, मुझे वो जड़ी ही मिलेगी।
बहुत सन्नाटा है। इससे पहले कोई झील मुझे देख ले, मुझे वो जड़ी लेके यहाँ से निकलना होगा।